भारत माता की जय। भारत माता की जय। भारत माता की जय। भारत माता की जय। आपको पता है ना, आप तिरंगा आप अपने गेट पे ऐसे भी लगा सकते हैं, आप तिरंगा ये गेट पे भी लगा सकते हैं, अपने घर पे भी लगा सकते हैं। जो फ्लैट्स में रहते हैं वो घर की अपने फ्लैट की ऊंचाई पे लगा सकते हैं। करते हैं अभिनंदन। दिशा निर्देश अनुसार वो ले रहा था। तो ये जो 14 तारीख, हम सब जानते हैं कि पहले से ही हम लोग इन कार्यक्रमों को सुबह 1 घंटा फ्लाइट टेक ऑफ में देरी हुई क्योंकि दिल्ली के अंदर बारिश थी, जिसकी वजह से थोड़ा विलंब हुआ और वो हमारे बीच में पहुंचे हैं। चलिए, थैंक यू। थोड़ी देर बाद फिर हमारी बैठक डिस्टर्ब होगी ना, मनाते आ रहे हैं। लेकिन माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब ने विभाजन की विभीषिका, ये जो 1947 में भारत का विभाजन हुआ, उस दर्द को उन्होंने बयां किया कि हमारे देश का विभाजन हुआ। और पिछले साल भी 14 अगस्त के दिन उस विभाजन की विभीषिका को याद किया गया और 15 अगस्त को भी भव्य तरीके से आजादी के अमृत महोत्सव और स्वतंत्रता के इस जश्न आजादी के कार्यक्रम को मनाया गया। इस बार फिर आजादी के अमृत महोत्सव 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में हर घर तिरंगा अभियान में यहां हम लोगों ने रैलीज करनी है, युवाओं की रैलीज, तिरंगा रैलीज, बड़ी बड़ी सभाएं, हर घर के ऊपर तिरंगा। और जो पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर हमने अभियान ले लिया है, पहले 25 जुलाई को श्रीनगर के लाल चौक से तिरंगा झंडा फहराकर इस अभियान को शुरू किया गया, तो अभी जम्मू से 30 जुलाई को हमने भाना सिंह साहब, जो भारतीय सेना के जांबाज वीर सैनिक कैप्टन हैं रिटायर्ड, जिन्होंने सीएचएन ग्लेशियर की चोटियों को जीता था, ऐसे महाप्रक्रमी कैप्टन भाना सिंह साहब के घर में तिरंगा झंडा लहराकर जम्मू संभाग में इस अभियान को हमने शुरू किया है। साथियों, राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा हम सबकी शान है, 130 करोड़ भारतीयों के सम्मान का विषय है जी। उसके बारे में महबूबा जी लगातार आप शब्द बोलती आ रही है। जब शपथ लेते हैं लोकसभा की, विधानसभा की, तो हम संविधान की शपथ लेते हैं, तिरंगे को सलूट करते हैं। लेकिन महबूबा जी के सपने में कभी चाइना आता है, कभी पाकिस्तान आता है। लेकिन महबूबा जी, जिस तोड़ने की राजनीति को 7 दशक तक इस जम्मू कश्मीर में 3 परिवारों ने चला के रखा, कांग्रेस मुफ्ती परिवार, नेहरू परिवार मुफ्ती परिवार और अब्दुल्ला परिवार, जम्मू कश्मीर उससे आगे बढ़ गया है, आप पीछे खड़े रह गए। अब जम्मू कश्मीर के गांव में लोग तिरंगा लेके निकल चुके हैं, हर घर तिरंगा पकड़ा जा चुका है। आप तो कहते थे वो हाथ नहीं मिलेगा जिसके हाथ में जम्मू कश्मीर में तिरंगा हो, अब लगातार वीडियोज आ रही हैं, गांव-गांव से वीडियो आ रही है। और तिरंगा भारत के हर नागरिक का तिरंगा है और भारत का संविधान हम सबको संरक्षण देता है। ऐसा है कि महबूबा जी, जिस रेडियो स्टेशन पे आप गाना बजाना चाहती हैं वो बंद हो चुका है। जम्मू कश्मीर की जनता अब टेररिज्म नहीं चाहती, जम्मू कश्मीर की जनता पत्थरबाजी नहीं चाहती, जम्मू कश्मीर की जनता अलगवाद की सोच नहीं चाहती, जम्मू कश्मीर की जनता विकास चाहती है और विकास नरेंद्र मोदी जी ने दिया है। लगातार विकास हो रहा है, लगातार विकास हो रहा है और ये रुकने वाला नहीं है। आप अपना रेडियो का बैंड ठीक करें, देशभक्ति का बैंड लगाएं। अब ये पाकिस्तान चाइना का गाना, देश के खिलाफ गाना, देश को तोड़ने का गाना,
महबूबा जी अब बजने वाला नहीं। अभी बारामूला की एक वीडियो देख रहा था, गांव के अंदर लोग झंडा लेके निकले, अभी तिरंगा यात्रा का समय 9-10-11 रखा है, लेकिन जनता में देश के प्रति इतना उत्साह है, ये राष्ट्रभक्ति का उफान है।